बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। कुछ पैसे अगर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, असं आज जा रहे हैं जी फतेहपुर। फतेहपुर मकान है, मकान की दीवार उच्ची करनी है, उस वास्ते कुछ इटा घोड़िया छोड़ियाँ तो एक हाथ रेड़ी वगैरह तो मिस्त्री नाल मजदूर दो बैठे ने जा रहे हैं जी। असं रेता इतों रस्ते लोड करवाई है थोड़ी जी उपरली साइड से, जिसे उस्ताद होने बैठे ने दो चार बाकेट सुटवाए तो चाड़ी वाह वाह वाह। तो देखते ट्रैक्टर चढ़ता कि नहीं, दो हज़ार रेट लोड आ बाकी रेता दे चार पाँच बाकेट तो वजन ठीक ठाक बन जाना। बाकी देखते दे ट्राली चढ़ती या कि नहीं चढ़ती। ट्रैक्टर के वजन ट्राली के वजन ज़्यादा असल पिछे आ, तो मैनू डाउट लग रहा भी नहीं चढ़ेगी, तो ट्राई करते हैं। पैर तो फुल दिता हुआ, बाकी देखते हैं। खड़ गया जी, फिर ये जाएगा बैक। हाँ वो गया जी बैक, ट्राली नहीं चली जी। वजन थानू दस्या पिछे ज़्यादा वा, ट्रैक्टर की हुक के वजन है नहीं, टायरों के वजन है नहीं, ट्रैक्टर स्लिप ज़्यादा मारता। पैर तो मैं फुल दिता सी, लेकिन नहीं गल नहीं बनी। हूँ इधर फीयर चलता पाया, फीयर लियाने ऑटो चैन करा, फीयर वाले बुलाने और रैंप शैंप बना रहा, रैंप शैंप अपना बना रहा वा, रेता का नवा रैंप यानी कि गुड सैटिंग वैटिंग कर रहा। तो हूँ वो आएगा टो चैन पा के, तो फिर कटते हैं ट्राली, तो देखते हैं निकलती या कि नहीं निकलती। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और शेयर भी करना। फीयर 640 बहुत पुराना मॉडल है जी, इन्हों को तकरीबन 4-5 साल हो गए इन्होंने पक्का रखा इसे काम वास्ते। तो चैन पाने हाँ, तो चैन पा के फिर ट्राई करते हैं, फिर तो निकल जाएगा। थोड़ा जहा आसरा ही चाहिए, उधरों भी ट्रैक्टर व्डा वा 386 है, निकल जाना सी वैसे भी, लेकिन वजन पिछे होने वजह तो उन्होंने जो ट्रैक्टर निकल नहीं सकया बाहर, अदक जान की स्लिप मार के रोक गया। तो फिर ज़्यादा खल तो नहीं बचाया ताकि भी रैंप खराब हो जाए मोड़ के, बाकी छोटे ट्रैक्टरों वास्ते मसला ज़्यादा बने। वैसे छोटे ट्रैक्टर तो वैसे भी टोचैन पहले ही कर लेंगे होने, वड्डा ट्रैक्टर औखा सौखा हो निकल निकल जाता। लो जी टोचैन पै रहे हो, टोचैन पा के कर दें सेटिंग। फल जी तो चैन पै गया वा जी, हम निकल रहे हैं जी। आ देखियो लो जी गेयर लग गया जी, और तौर पर ट्रैक्टर फिर पैर दे दिता जी दोनों ड्राइवर ने। फुल फुल तो नहीं खैर, नॉर्मली रेस है तक 18-18 सौ रुपया मांगे तकरीबन। मैं अपनी वीडियो खत्म कर दूँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, चैनल में सब्सक्राइब जरूर करना, पहले कमेंट करना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो तक पहुँचे।